ఓం శ్రీ గజలక్ష్యే నమ ఓం శ్రీ వీరలక్ష్యే నమ ఓం శ్రీ ధాన్యలక్ష్యే నమ అధిలక్ష్యే నమ ఓం శ్రీ ధనలక్ష్యే నమ ఓం శ్రీ ఐశ్వర్యలక్ష్యే నమ ఓం శ్రీ వీర్యలక్ష్యే నమ సంతానలక్ష్యే నమ పాంచ గ సుభే నోవరికే 22 మినిట్ ఇస్మే జో హా నా చంద్ర ఓర్ శుక్ర కా సంబంధ బన్ రహా హై చంద్ర శుక్ర కా సంబంధ బన్ రహా హై 5 अगस्त 15:21 से, यानी कि दोपहर को 3:21 से, यानी कि आज ही 9:21 से मंडे को सोमवार को चंद्र शुक्र बुध का संबंध बन जाएगा 5, 6, 7। तो इस धरती पे जितनी भी लव मैरिज होंगी, सोनिया गांधी राजीव गांधी की शादी हुई इसी योग में, किंग चार्ल्स प्रिंसेस डायना की शादी हुई इसी योग में, समझ लो किंग चार्ल्स के बच्चों की शादी हुई इसी योग में, प्रिंस हैरी, केट मिडलटन, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने भी आई थिंक लव मैरिज की थी, राजीव गांधी ने भी लव मैरिज की, सोनिया गांधी ने भी लव मैरिज की, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा ने भी लव मैरिज की, प्रियंका चोपड़ा की दिखा लव मैरिज है। तो इस धरती पे जो भी लव मैरिज होगी ना, तकरीबन अगले 1 महीने के अंदर होगी, 5, 6, 7 में भी एक अजीब सा जो है लव मैरिज का योग बन गया है। और 19 अगस्त 20 अगस्त में भी एक अजीब सा जो है ना लव मैरिज का योग बन गया। जो शुक्र है ना, शुक्र सिंह में और कन्या में, 31 जुलाई से 25 अगस्त में लव मैरिज का योग बन गया, 25 अगस्त से 18 सितंबर में लव मैरिज, शुक्र केतु इकट्ठे हैं तो NRI मैरिज, फॉरनर मैरिज, US पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट की शादी, ब्रिटिश पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट की शादी, जैपनीज पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट की शादी, यूरोपियन पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट की शादी, ये समझ लो 25 अगस्त से 18 सितंबर में, 18 सितंबर से तुला में है, तुला में समझ लो अरेंज मैरिज होती है 18 सितंबर से 13 अक्टूबर, मिथुन धनु वालों की शादी होगी 7 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर में, शुक्र जब धनु में आएगा मिथुन में आएगा तो शादियां करा देगा, बुध भी धनु मिथुन में आएगा तो शादियां करा देगा, 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 4 जनवरी से 24 जनवरी, धनु और मिथुन वालों की 24 जनवरी से पहले शादी हो सकती है। मैंने जो है ना एक अजीब सपना देखा कि अगर कोई आदमी ना 150 किलोमीटर के अंदर, 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहता है, तेल को शुद्ध करने की रिफाइनरी लगाना चाहता है वेनेजुएला में, इंडिया में, रशियन गवर्नमेंट की उससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की उससे, जैसे किंग चार्ल्स ने शादी की प्रिंसेस डायना से लव मैरिज की, उसके बच्चों ने भी लव मैरिज की, तो वेनेजुएला में कोई 50-100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर में ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहता है, तेल शोधक कारखाना इंडिया में लगाना चाहता है, या ब्रिटिश ऑयल कंपनियों की मदद से, या रशियन ऑयल कंपनी या अमेरिकन ऑयल कंपनी की मदद से 50-100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में तेल साफ़ करने का कारखाना लगाना चाहता है, तो लोगों ने ना बजट जो है ना इस दफ़ा ठीक से पढ़ा नहीं। हमारा जो भारत का बजट आया है इसमें आई थिंक बजट में ना गवर्नमेंट 50 साल के लिए कोई लोन दे रही है इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त लोन जो है ना, इंटरेस्ट फ्री लोन, ब्याज मुक्त लोन जो है ना शायद भारत सरकार दे रही है 50 साल के लिए, पता नहीं किस काम के लिए दे रही है मुझे नहीं मालूम, सोलर एनर्जी के लिए दे रही है या तेल तूल के लिए दे रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दे रही है। वो बजट को सुनोगे तो पता लगेगा कि 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन किस लिए मिल रहा है। मेरे विचार से बजट पढ़ना चाहिए, शायद उसमें है कि आप कोई तेल शोधक कारखाना लगाना चाहते हो 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में, वेनेजुएला में, इंडिया में, रशिया में, रशियन सपोर्ट से, अमेरिकन सपोर्ट से, ब्रिटिश सपोर्ट से, किंग चार्ल्स की सपोर्ट से, गेट मिडलटन की सपोर्ट से, प्रिंस हैरी की सपोर्ट से, ब्रिटिश फैमिली की सपोर्ट से, बर्मिंघम पैलेस की सपोर्ट से, या किसी भी एलन मस्क की सपोर्ट से, या बिल गेट्स की सपोर्ट से, या मार्कोस, या तुम्हारा ब्लैक रॉक की सपोर्ट से, कोई भी पता नहीं, मेरे को नहीं आइडिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें आप 50-100 किलोमीटर में ना ऑयल रिफाइनरी लगा सकते हो। तो अजीब सा समझ लो सपना आया या पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, 50-100 किलोमीटर में जो है, अब इतनी प्रॉपर्टी 150 किलोमीटर की ज़मीन मिलेगी कहाँ, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कहाँ मिलेगी, रशिया में, इंडिया में, वेनेजुएला में, वेनेजुएला के पास ही आसपास की कंट्री हैं जहाँ तेल तूल है,
बड़ा मुश्किल काम है, 50 सौ 150 किलोमीटर में अगर अपने तेल की रिफाइनरी लगानी है, पैसा कितना चाहिए। लेकिन अगर 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है तो आई थिंक बात बन सकती है। तो ऐसा ही मेरे को लगता है कुछ ना कुछ जो है होने वाला है। मैंने सपने में देखा है जैसे फैक्ट्री मैं लगा रहा हूँ 50 सौ 150 किलोमीटर में, वेनेजुएला में तेल शोधक कारखाना लगा रहा हूँ या इंडिया में तेल शोधक कारखाना लगा रहा हूँ। राजकुमार चोपड़ा लगा रहा है, ब्रिटिश ऑयल कंपनीज की मदद से या किंग चार्ल्स की मदद से या प्रिंस हैरी की मदद से या केट मिडल्टन की मदद से या ब्लैक रॉक की मदद से या एलन मस्क की मदद से या मार्क जुकरबर्ग की मदद से या अमेजोन की मदद से या ट्रंप की मदद से, समझ लो ट्रंप ने भी लिखा लव मैरिज की थी, तो ट्रंप की मदद से जो है राजकुमार चोपड़ा जो है तेल शोधक कारखाना लगा रहा है 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में, समुद्र के अंदर है समुद्र के बाहर, कहीं भी तेल का जो है पता नहीं। सऊदी की मदद है, MBS की मदद है, मोहम्मद बिन सलमान की मदद है, ऐसे अजीब से सपने आते रहते हैं मुझे। मोहम्मद बिन सलमान की मदद से जो है 50 सौ 150 किलोमीटर में कारखाना लगा रहे हैं, इंडिया में लगा रहे हैं, वेनेजुएला में लगा रहे हैं, रशिया में लगा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, जिस भी एरिया में लगा रहे हैं तेल तूल का हिसाब किताब है और उसके जो है जुगाड़ बन जाएगा। मेन तो है जो है लव मैरिजेज का योग है और जो अभी में है, अभी में जो है चंद्रमा सिंह में आ रहा है 5-6 साल में, तो तुला वालों की तो इनकम हाउस में है, तुला वालों को लाभ हो सकता है। शुक्र भी इनकम हाउस में है, बुध भी इनकम हाउस में है, बेटर देन बेस्ट। चंद्र केतु का कन्या में संबंध बनेगा, ये भी लग रहा है ठीक है। 5 अगस्त ठीक लग रही है, 6 अगस्त ठीक है, 7 अगस्त ठीक है, 8 अगस्त ठीक है, 9 अगस्त ठीक है, 10 अगस्त ठीक है, 11 अगस्त ठीक है, 12, 13, 14 अगस्त में धरती की जो सबसे बड़ी डीलें होंगी ना, प्रॉपर्टी आल्ट्रेशन। जैसे मान लो एलन मस्क की कोई प्रॉपर्टी है स्विट्जरलैंड में, इंडिया में प्रॉपर्टी आल्ट्रेशन कर ली, किसी पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है इंडिया में, किसी पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड वाली प्रॉपर्टी इंडिया में दे दी, इंडिया वाली स्विट्जरलैंड में दे दी, लंदन वाली इंडिया में, इंडिया वाली अमेरिका में, या किसी पे कोई फार्म हाउस है, फार्म हाउस है छतरपुर में या ब्रिजवासन में, ब्रिजवासन में फार्म हाउस है 10-50 करोड़ का, ब्रिजवासन में या छतरपुर में या सैनिक फार्म में 10-50 करोड़ का फार्म हाउस है सैनिक फार्म में, ब्रिजवासन में, असोला में या छतरपुर में, कहीं पे भी कोई फार्म हाउस है, कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, प्रॉपर्टी है 10-50 करोड़ की, वह यहाँ की प्रॉपर्टी अमेरिका में दे दी, अमेरिका वाली प्रॉपर्टी इंडिया में दे दी, कैश की दिक्कत है, बड़ी अजीब सा चक्कर है। और लोगों ने जो प्रॉपर्टियाँ ले रखी हैं ना, वो समझ लो बेनामी प्रॉपर्टियाँ, नौकरों के नाम ले रखी हैं। इंडिया वाली प्रॉपर्टी नौकर के नाम है, अमेरिका वाली प्रॉपर्टी भी नौकर के नाम है, कैलिफोर्निया वाली प्रॉपर्टी भी नौकर के नाम है, सिंह वाली प्रॉपर्टी भी नौकर के नाम है, मतलब बेनामी प्रॉपर्टी टाइप है। अब कैश है नहीं, तो इस धरती के 30% लोग जो हैं प्रॉपर्टी का जो अल्ट्रेशन करेंगे, इंडिया वाली बेनामी प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वाली बेनामी प्रॉपर्टी इंडिया में, कईयों पे अपने घोड़ा हॉर्स घोड़े के फार्म हाउस हैं, कई कुछ है अमेरिका, लंदन, कनाडा, न्यूजीलैंड में, तो प्रॉपर्टी अल्ट्रेशन कर लेंगे। न्यूजीलैंड की प्रॉपर्टी भी बेनामी है, इंडिया वाली प्रॉपर्टी भी बेनामी है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो गई। तो जुपिटर ना वृष राशि में है 14 महीने और शनि कुंभ में है, जो जुपिटर है ना, जो गुरु जो है ना ये वृष में है 14 मई 2025 से पहले धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे 12 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो, क्योंकि गुरु जब वृष में आता है इतना पैसा देता है 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो, तो प्रॉपर्टी अल्ट्रेशन से हो जाएगा। अमेरिका की बनामी प्रॉपर्टी इंडिया में, स्विट्जरलैंड की बनामी प्रॉपर्टी इंडिया में, लंदन की बनामी प्रॉपर्टी इंडिया में, इंडिया वाली इधर उधर जो भी इन्होंने करनी है दुबई में एक्सचेंज कर लेंगे, दुबई इंडिया ये वो, क्योंकि सब नौकरों के नाम है, अपने नाम में तो है ही नहीं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अल्ट्रेशन होगी 14 मई 2025 से पहले, अगले 45 दिन में भी हो सकती है। और शनि जो है कुंभ में है, कुंभ का शनि भी इतना पैसा देता है 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो, शनि कुंभ में है 13 जुलाई 2025 तक, 13 जुलाई 2000 शनि कुंभ में है 29 मार्च 2025 तक, 29 मार्च 2025 से पहले भी
इस धरती के लोग ना समझ लो फैक्ट्री अल्ट्रेशन करेंगे, शनि के कंट्रोल में आती है फार्मिंग लैंड, ब्रिजवासन, ओसोला, पालम विहार, सैनिक फार्म, जो फार्म हाउस अल्ट्रेशन है या फैक्ट्री अल्ट्रेशन है, लंदन वाली फैक्ट्री इंडिया में दे दी, इंडिया वाली फैक्ट्री लंदन में दे दी, साउथ अफ्रीका वाली फैक्ट्री इंडिया में दे दी, साउथ अफ्रीका इंडिया वाली फैक्ट्री साउथ अफ्रीका में दे दी, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया वाली फ्लोरिडा वाली इंडिया में दे दी, मतलब प्रॉपर्टी अल्ट्रेशन हो गई फैक्ट्री की या फार्मिंग लैंड की, असोला, ब्रिजवासन, छतरपुर। तो 29 मार्च से पहले लोग ऐसी अल्ट्रेशन करेंगे, शनि मार्गी हो रहा है 15 नवंबर को। बाकी जो मीन का शनि है, ये इस धरती के जो वकील हैं उनकी इनकम का ना 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बढ़ाएगा, 10,000 गुना बढ़ाएगा। इस धरती के जो वकील हैं ना बहुत पैसा कमाएंगे 15 नवंबर के बाद, 29 मार्च के बाद। टेक्निकली अगले 90 महीने जो है ना इस धरती के जितने भी वकील हैं बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि जो शनि मीन में है ना वो है समझ लो 11 दिसंबर 2026 तक, 3 जून 2027 तक। तो वकीलों को तो नोटों की बारिश होगी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, प्रॉपर्टी के वकील, कस्टम के वकील, जितने भी हैं नोटों की बारिश होगी। और फिर शनि नीच हो रहा है, जो नीच का शनि है ना, शनि को बोला जाता है मंदा। तो इस धरती पे जो मंदा आएगा ना, जैसे लीमन ब्रदर वाला चक्कर हुआ था या डीमोनेटराइजेशन हुआ था, मतलब इस धरती पे जो मंदा आएगा 30 साल बाद आता है। 30 साल पहले क्या हुआ था देख लो, 30 साल पहले लोगों ने इतना पैसा कमाया था, 5 लाख वाली प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई थी। तो 30 साल बाद शनि मीन में आ रहा है, 30 साल बाद शनि मेष में आ रहा है, 30 साल बाद जो शनि है ये मेष में आएगा, मेष में शनि मंदा करता है, ये समझ लो मंदा करेगा। 30 साल पहले जो शनि आया था ना, इस धरती के लोगों ने बड़े पैसे कमाए थे, 30 साल पहले इस धरती के लोगों ने इतना पैसा कमाया, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो, 5 लाख वाली प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई। तो 30 साल पहले जो हुआ, 30 साल पहले शनि कुंभ में आया था, 30 साल पहले जो शनि कुंभ में आया था ना, वो आया था 30 साल पहले शनि कुंभ में आया था, 30 साल पहले शनि कुंभ में आया था, ये समझ लो 92 के नियर अबाउट, 90, 91, 92 में ना समझ लो शनि कुंभ में आया था, 90, 91, 92 के बाद ना इस धरती के लोगों ने इतना पैसा कमाया, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो, समझ लो 93 में शनि कुंभ में था, 93, 94, 95। हालत ये है ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट में, मोदी मिल ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट में, लोग ना थैलों में पैसे भर के घूमते थे कि मोदी मिल ओखला स्टेट में ना पैसे प्रॉपर्टी दिलवा दो, मतलब कि प्रॉपर्टी ऐसे बिक्री थी, मनेसर हो गया, सोना हो गया, दिल्ली के आसपास प्रॉपर्टी, लोग ना थैलों में नोट लेके घूम रहे थे और प्रॉपर्टी। और मोदी मिल के लिए तो हालत ये थी, मोदी मिल ओखला के अंदर, मोदी मिल ओखला में जो है ना लोग ना झोली फैला के प्रॉपर्टी मांग रहे थे, किराए बढ़िया चल रहे थे। ये जो है ना शनि कुंभ में था तब, आई थिंक 93, 94, 95 में। फिर उसके बाद शनि नीच हो गया, नीच का शनि मंदा लाता है, शनि नीच हुआ 98 में, 99 में शनि नीच हो गया था। तो नीच का शनि मंदा लाता है, कुंभ का शनि इतना पैसा देता है, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। तो इस धरती के लोगों ने जो प्रॉपर्टी में जो सबसे पैसा ज़्यादा कमाया मेरे विचार से, वो ना जब शनि कुंभ में था ना, आई थिंक 94 के नियर अबाउट जो है ना, बड़े पैसे कमाए। मैं मोदी मिल उद्योग्यार हो गया, ये ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट हो गई, प्रॉपर्टियों के लिए दुनिया पागल थी, रेंटल इनकम 50 लाख रेंट आ रहा है, 10 लाख रेंट आ रहा है, 20 लाख रेंट आ रहा है, 50 लाख रेंट आ रहा है। तब शनि कुंभ में था, आई थिंक 93, 94, 95 में। मीन में भी शनि ठीक था, वकीलों वकीलों में पैसे खर्चे होंगे। तो शनि जब मेष में आया तो आई थिंक किराएदार भाग गए थे, शनि जब नीच हुआ ना तो वही प्रॉपर्टी जिसका 50 लाख किराया आ रहा था, वो सारे जो किराएदार हैं, कोई नोएडा भाग गए, कोई गुड़गांव भाग गए। तो जो कुंभ का शनि है ना, कुंभ का शनि इतना पैसा देता है, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो, 30 साल पहले भी शनि दे के गया था, अब शनि कुंभ में 29 मार्च से पहले पहले उम्मीद करो दे के जाएगा। और जो
तुला राशि वाले हैं ना, तुला राशि वालों का शनि चलेगा आठवें घर में, तुला राशि वालों का शनि डेथ हाउस में चलेगा 8 अगस्त 2029 से लेके, तुला राशि वालों का शनि डेथ हाउस में आएगा समझ लो 5 जनवरी 2029 के बाद, और ये डेथ हाउस में शनि रहेगा 31 मई 2032 तक। शनि के अगर उपाय कर लोगे फिर तो तुला राशि वाले जिंदा रहेंगे 31 मई 2032 तक, और शनि के उपाय नहीं करते तो आते ही शनि जो है गड़बड़ कर देगा। शनि के उपाय करने से जो है 31 मई 2032 तक जो है ना तुला राशि वाले जिंदा रह सकते हैं, शनि का दान करें।